मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह निजी कार्यक्रम में राजगढ़ पधारे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाहक सुरेश सोनी की माता के निधन पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के साथ राजगढ़ में उनके निवास पर जाकर पूजनीय माता के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ सुरेश सोनी के साथ भेंट की। पार्टी का सिस्टम जैसे अपने इधर अपने जिला अध्यक्ष को फोन करते हैं, ये करते हैं, अभी हम गए अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सर सबको बाकायदा फोन किया। बालाघाट में रुके थे शिवनी और अपना छिंदवाड़ा बड़ा का मध्य प्रदेश में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है, उसके अंतर्गत आने वाले समय में वर्षों में हम पूरे 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्र को उसमें बदलेंगे और वहाँ पर सभी जगह जो है टेली मेडिसिन की सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे। हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, वहाँ पर हमारे जो टेस्ट हैं पैथोलॉजी के वो टेस्ट भी होंगे, CHO भी हम पोस्ट करेंगे, जिससे कि वो वहाँ पर प्रारंभिक तौर से उपचार भी वहाँ पर कर पाएंगे और अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो हम हर जिला लेवल पर एक विशेषज्ञों का एक टीम वहाँ पर रहेगी जो वहाँ टेली मेडिसिन के माध्यम से उनसे बात करके वहाँ उपचार दे सकते हैं। दूसरा जैसे आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन है, पहले PSC लेवल पे ही था, अब जो CHO हमारे टेंड होकर आएंगे वो वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र पर उनको दे सकते हैं। तो ये पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों का प्रयास है कि इस साल में अभी 4,000 से ज़्यादा तो हम लोग प्रदेश में कर चुके हैं और 3,000 और कंप्लीट कर दें, 7,000 इससे फाइनेंशियल ईयर में पूरा करेंगे और आगे आने वाले वर्षों में पूरे 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, जो राजगढ़ में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं बहुत सारे, हम देखा है कि बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र में कब्जा है, जैसे किसी में भूसा भरा है। जी है, रेगुलर जगह बताएंगे, मैं कलेक्टर से बात करूंगा क्योंकि आपके CMHO से बात करके शासन के द्वारा जो कार्रवाई करेंगे, शासन के द्वारा जो कई जगहों से लगातार ऐसा भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इनकी शिकायतें आ रही है, कोई भोपाल में भी एक देहांत हुआ है इसके वजह से, और विपक्ष लगातार आपका आरोप भी लगा रहा है। नहीं, ये विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह निराधार हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में अभी तक 2 वैक्सीन की ट्रायल भी हुई है और उसकी मंजूरी भी मिली है। 16 तारीख से देश के लोगों के लिए प्रथम फेज में हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए वैक्सीन देंगे, उसके बाद हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके लिए देंगे, और जब हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होगा तब 50 साल से ऊपर वाले और जो 50 के अंदर हैं जो कोमोर्बिडिटी है उनको देंगे। उसकी तैयारी मध्य प्रदेश शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी करके रखी हुई है। सब जगह प्रदेश लेवल पर 4 हम लोगों ने स्टोर तैयार करके रखे हैं और 3 संभाग लेवल पर तैयार किए, हर जिला मुख्यालय पर तैयार किए, पूरी कोल्ड चेन हम लोगों ने तैयार की है, पूरी व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्ट की हम लोगों ने जमा कर रखी है। जैसे ही वैक्सीन हम लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगी तो 16 तारीख से जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसके अंतर्गत हम लोग प्रदेश में इस वैक्सीन को की शुरुआत हम लोग करेंगे और वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में मुख्यमंत्रियों जो को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी जो तैयारी की है पूरी तरीके से सेफ है, सब ट्रायल हो चुकी है, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। अभी
14 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान पूरे प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को, सभी डिस्ट्रिक्ट जो क्राइसिस कमेटी है उनके सदस्यों को, धर्मगुरुओं को, सबको। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।